आप लोग को ये जो पीछे झंडे दिख रहे हैं ना, तो ये इसलिए रखा है ये झंडा, अगर इधर हमारे गांव में अगर कोई भी मरता है तो ये जो नदी दिख रहा है इसके साइड में लाके जलाते हैं, तो उन लोग को इधर ही जलाया जाता है। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो अब मैं बता दूँ, अब मुझे लेट हो चुका है कंप्यूटर क्लास जाने के लिए, तो जल्दी जल्दी मैं रेडी हो रहा हूँ। A few moments later, चलो निकलते घर से। तो इधर मम्मी कपड़े धो रही है। हाँ बाय दीदी। गाइज, मैं 3-4 दिनों से रोज लेट पहुँच रहा हूँ। रोज़ सोचता हूँ जल्दी पहुँचूँगा, पर लेट हो ही जाता, पता नहीं कैसे। तो आज मुझे तो और ज़्यादा लेट हो रहा है, शायद आज डांटेंगे सर मुझे। उससे पहले मैं आज जल्दी पहुंच जाता हूं कंप्यूटर क्लास, उसके बाद आपको उधर ही मिलता हूं। मुझे लगा था मैं लेट पहुंचूंगा, पर नहीं, टाइम पे पहुंचा हूं। अभी वो लोग निकलेंगे तो मैं अभी अंदर जाऊंगा, तो लेट नहीं पहुंचा। अभी थोड़ा बैठ जाता हूं इधर। कंप्यूटर क्लास का टाइम ख़त्म हो गया। तो ये रोड का आधा से ज़्यादा काम हो चुका है, पता नहीं अब कब तक रेडी हो जाएगा। इसको जानते हैं, ये मोटी कार। हाँ, मेटी मेटी खा खा के भैंस हो गई है। कहाँ से दुकान निकाले? जानेस कभी पहले जानेस तो घर पे पहुँच गया हो। हाय पापा, भूख लगी है, खाना खा लेता हूँ। चावल मेरी फेवरेट दाल। खाना मम्मी ने बहुत ज़्यादा डाल दिया था, पेट दर्द कर रहा है अभी। तो अभी मम्मी और मैं जा रहे हैं बाजार साइड थोड़ा काम है, तो मैं उस साइड जाके ये वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे मोबाइल में चार्ज नहीं है और पावर बैंक में भी चार्ज नहीं। फिर बाजार से आके वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। 2000 years later, मम्मी और मैं अभी जस्ट आए घर पे, तो देख सकते हो मेरे कपड़े गंदे हो चुके हैं, पैंट से लेके सब कुछ गंदा हो गया, और एक दो कपड़े और गंदे हैं। तो कल मैं ये कपड़े सब धोने जाऊंगा नदी साइड। तो अभी मैं जाके सबसे पहले कपड़े चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि अभी नदी में जाके मुझे प्रैक्टिस करना है स्टंट का। A few moments later, चलो अब चलते हैं नदी साइड। पापा ने बोला है एक थैली रेत लेके आने का, तो इसको भी लेके आते, पता नहीं कुछ काम होगा। बाय चाहते थे ना, कल जो स्टंट किया था तो उस वजह से थोड़ा बहुत बॉडी पेन कर रहा है, इतना नहीं हो रहा है पर हो रहा है बॉडी पेन। देख सकते हो अब धूप भी जा रहा है, अभी नदी साइड ही धूप लगेगा, इस साइड अब धूप नहीं लगेगा। ये जो देख, ये देखो, ये फल का नाम है बेर, शायद बेर बोलते हैं इसको हिंदी में, हम लोग इधर बैर बोलते हैं। तो मैं कभी भी खाने का मन करता तो आ जाता हूँ। देखो ये ठंडी के सीजन में ही फलता है। उधर से मैं इतना सा बेर तोड़ के लेके आया, टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, थोड़ा सा खट्टा है और मीठा भी है। नदी पूरा खाली है, उधर साइड में एक ट्रैक्टर है, उधर रेत भरने के लिए आया है, तो रेत लेके वो लोग चले जाएंगे, उसके बाद मैं अकेला रहूँगा। तो चलो हम लोग स्टंट करते हैं, दूसरे का छोड़ो।
बहुत थक चुका, आज के लिए इतना ही, और हाथ में पेन भी हो रहा है तो इसलिए इतना ही होगा आज, तो चलते हैं अब। मुँह हाथ धो के निकलते इधर से, ये कपड़े कहाँ पे रखे। कितना अच्छा जगह है देख सकते हो, आप लोग के लिए मैंने कुछ बनाया है तो देखना चाहोगे तो इनसे मिलिए। तो ये मेरे गांव के भैया है, तो ये अभी इधर मछली पकड़ने आए, तो अभी ये इधर जाल डाफेंगे और सुबह ले जाएंगे, सुबह ले जाएंगे, हाँ सुबह सुबह जिगलेंगे। और ये लोग भी आए अभी मछली पकड़ने, तो देख सकते हो मछली पकड़ने के लिए ये इसका उपयोग होता है। देखो पहले कहती क्या नहीं डाफने इसका नहीं डाफने, तो देखो मछली पकड़ने वाला ये रहा, ये भाई और वो भैया। मछली पकड़ने के लिए जाल रेडी हो रहा है, तो इसको हम लोग रात को पानी के अंदर छोड़ेंगे और सुबह निकाल लेंगे, तो सुबह तक शायद मछली लग जाए। अब इसको पानी के अंदर डालेंगे हम लोग, तो कितने सराल, दो या तीन सराल लेके जा रहे, दो सराल, दो। और पीछे का सनसेट का सीन देखो बहुत मस्त हो रहा है। ओए पानी ठंडा नहीं लग रहा है, हाँ 5 बजे या 4 बजे आके इसको निकालेंगे, तब और ठंडा रहता है पानी, कुछ पानी के लिए कुछ घुमाना पड़ता है। अब और को कौन दाफने, अब ये जा रहा है दूसरा, अब इसको भी अंदर, ये हमारा केनाल है। क्या केनाल? अच्छा ये हमारा रिवर है। रिवर बोलो, नदी बोलो, तालाब बोलो, जो भी बोलो यही है। बॉग तो बॉग देना, तो मैं निकल रहा हूँ इधर से, तो ये लोग अभी इधर ही है। तो जैसे पापा ने बोला था कि रेत लेके आना, तो रेत भर के जल्दी निकलते हम लोग इधर से। इतना भर लिया है रेत, ये पूरा पीछे से लीकेज हो रहा है, तो पूरे मेरे कपड़े के अंदर रेत घुस गया। कपड़े के अंदर पूरा रेत घुस गया था, तो इसलिए कपड़े निकाल दिया, और बालों में भी रेत चला गया, तो इसके वजह से अब मैं नहा रहा हूँ। जब तक नहीं नहाऊँगा तब तक नहीं सो पाऊँगा रात को, तो इसलिए मम्मी को बोल दिया पानी गर्म करने के लिए, मम्मी पानी गर्म कर रही। तो ये ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मैं मिलता हूँ न्यू ब्लॉग पे, बाय।